परमात्मा ने उनको बताया था कि ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब अधर बसूं, मेरा नाम कबीर। अधर माने ऊपर, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में स्पष्ट किया हुआ है कि वो पूर्ण परमात्मा सतलोक से ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, द्यूलोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है और वहाँ से गति करके नीचे आता है। वो कबीर देव है और वो साधक के संकटों का निवारण करता है, मर्दन करता है, अपने रूप को हल्का करके, अपने रूप को हल्का करके, क्योंकि परमात्मा का सतलोक में जो स्वरूप है उस मनुष्य सदृश है और उसके एक रोमकूप की शोभा करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी उनकी रोशनी परमात्मा के एक रोमकूप से कम रहे। यदि वो परमात्मा परमेश्वर एज इट इज उसी शरीर से यहाँ आ जाए तो हमारी आंखें बंद हो जाएं, जैसे उल्लू की आंखें सूर्य नहीं देख सकती। इसलिए वो परमात्मा अपना अन्य शरीर हल्के तेज पुंज का बना करके यहाँ आता है और हमें ज्ञान देते हैं। इसीलिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में, मंत्र नंबर 1 में इन दोनों सतीचियों का वर्णन किया है, अग्ने तनोरसी। अग्ने शब्द यहाँ इसलिए प्रयोग किया है कि वो परमात्मा का शरीर बहुत तेजों में है, इसलिए परमात्मा को अग्ने शब्द से संबोधित किया है। अग्ने माने वो तेजों में शरीर युक्त परमात्मा, वो तेजों में परमेश्वर स्वयं प्रकाशित परमात्मा, तनुस असी उसका शरीर है। और दूसरा लिखा कि विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने उस अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। और वो अतिथि रूप धारण करके, एक अतिथि जैसी सतिथि में यहाँ आते हैं। अतिथि माने जिसके आने की तिथि पूर्व ज्ञान ना हो, निर्धारित ना हो, अचानक आ जावे, राह चलता उसको या वैसे कोई रिश्तेदार, तो उसको अतिथि बोलते हैं। और वो अतिथि कुछ समय के लिए ही आता है, एक दिन, दो दिन, चार दिन, उसके बाद वो लौट जाता है। तो ऐसे अतिथि रूप में वो परमात्मा यहाँ आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान बताता है और फिर वो चला जाता है। यजुर्वेद 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र स्पष्ट कर रहा है कि वो अतिथि रूप में जो आता है परमात्मा, वही सबको पूज्य है, सत्कार के योग्य है। तो पुणात्मा जो परमेश्वर यहाँ आए थे तो अपनी महिमा स्वयं भी बताते थे कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, लेकिन अज्ञान के आधार से हमने भगवान को परमात्मा स्वीकार नहीं किया। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को कि तुम मेरे बच्चे हो, या काल के जाल में तुम फंसे हुए हो, तुम्हारी क्या दुर्गति हो रही है, तुम्हारे को यहाँ मिसगाइड करके, भ्रमित करके एक ब्लैक मेल किया जा रहा है, ये काल जो है एक विलियन है, तुम्हें सत्य से परिचित नहीं होने दे रहा। और जो संत इसके प्रचारक हैं, गलत ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, वो इसके एजेंट हैं, वो भी पाप के भागी बन रहे हैं। और तुम ढूंढ रहे हो मुझे, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोए मोहे, सभी दुखी हैं। राजा लोग भी जब तंग हो जाते हैं भगवान की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, उससे अपने राज्य में सुख शांति मांगते हैं। तो इसे सिद्ध है कि जब राजा को भी भगवान की आवश्यकता पड़ती है और वो भी दुखी है और याचना करते करते उनकी दुर्गति हो जाती है, राहत नहीं मिलती, तो इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि जो परमात्मा हमारे
प्रारब्ध में परिवर्तन कर सकता है, उस परमात्मा की जानकारी हमें नहीं। जो हमारे तीनों तापों का नाश कर सकता है, उस परमात्मा की जानकारी, उसके पाने की विधि और किन स्थिति में किस साधना से वो परमात्मा हमारे पाप नाश करता है, ये हमें जानकारी नहीं। जिस कारण से हम प्रभु की प्रार्थना भी करते रहते हैं, उसकी चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं, जैसा भी इन भ्रमित करने वाले ऋषि संतों ने हमें मार्गदर्शन किया है, उसके आधार से भी हम पीछे नहीं हट रहे, प्रार्थनाएं करते हैं, साधनाएं करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान भी करवाते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं होता। इसलिए परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी कह रहे हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। और गरीबदास जी जो परमात्मा से परिचित हुए, वो परमात्मा की महिमा उन्हीं की कृपा से कह रहे हैं, गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। पुण्यात्माओं, जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, तब तक हम ना तो सत भक्ति कर सकते और न ही हम विकारों से रहित हो सकते। जैसे कोई व्यक्ति प्रारब्ध के कर्म और संस्कारवश परेशान है, कोई संकट उस पर आया हुआ है, तो उसके निवारण के लिए वह पहले तो कोशिश करता है कोई साधु संत मिले। तो साधु संत के लिए वो कहाँ कहाँ जाते हैं, कोई उसको मार्गदर्शन कर देता है कि वहाँ एक जाड़े लाने वाला है, तुरंत ठीक कर देता है, वहाँ जाता है। फिर कोई कह देता है कि वहाँ एक भविष्य वक्ता है, एक हस्तरेखा देखने वाला है, फिर वहाँ जाता है। वो भी कुछ दिन उसको बहकाता है, ऐसी ऐसी साधना कर दे, इतना दान कर दे, ऐसा कर दे, फिर वहाँ भी करता है। फिर बताते हैं कि वहाँ एक संत है, संत के पास भी जाता है। तो पहले जाते ही वो संत भी कुछ अपनी क्रियाएं देता है, जब उन क्रियाओं से लाभ नहीं होता, फिर वो संत कह देता है, क्योंकि वो चतुर होता है, वो कह देता है कि भाई तेरे प्रारब्ध के अंदर ये तो तेरे भाग्य में लिखा है, ये कष्ट तो तुझे भोगने से ही समाप्त होगा। फिर भी ये आत्मा हार नहीं मानती, क्योंकि इसको मालूम है कि कोई ऐसी परम शक्ति है जो दुखी को सुखी कर सकता है। इसलिए परमात्मा की चाह आज तक आत्मा से हटी नहीं, तो वो फिर कहीं और जाता है, वहां भी उसके साथ यही होता है। उसके बाद फिर क्या करता है वो प्राणी, उस संकट निवारण के लिए गूटी लगाने लग जाता है, शराब पीने लग जाता है कि टेंशन कम हो जाएगी। वह तो और ज़्यादा बढ़ेगी टेंशन, क्योंकि वो पैसा और लग गया उसमें, अब तो पी के गुटी ला कर हो गया, तू थोड़ी देर के लिए पड़ के सो गया, सुबह उठते हुए टेंशन फिर तैयार है। तो पूर्ण परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी हमारे इस प्रारब्ध के संकट को नाश कर सकता है। तीन ताप का भी नाश परमेश्वर कबीर जी ही कर सकते हैं। अब जैसे किसी को व्यवसाय में घाटा हो रहा है, हानि हो रही है, तो वो भी संतों के पास जाता है, उसको कोई जंतर मंत्र बता देता है, ऐसे कर ले, वो ऐसे करना शुरू कर देता है। जब कोई राहत नहीं मिलती है, तो फिर वो दो नंबर के काम शुरू कर देता है, कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, दूना पाप का भागी बन जाता है। इसलिए परमेश्वर कबीर देव जी कहा करते थे, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटना तीनु तापम। तुम कौन राम का जाप जपते हो, कौन से भगवान की साधना करते हो, जिससे तुम्हारे तीन ताप भी नाश नहीं हो रहे। तीन ताप के अंदर कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, किसी ने श्राप दे दिया हो, वो श्राप के कारण कष्ट आना,
किसी ने किसी पे जंतर मंत्र कर दिया हो, जैसे कहते हमारा जो है ना फलाने ने कुछ करवा दिया, गाल गलवा दी, तो ये तीन ताप के अंदर इस प्रकार के कष्ट होते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमारे इन तीन तापों का नाश कर सकते हैं। किसी को प्रेत बाधा है, ये भी तीन ताप के अंतर्गत है, और प्रारब्ध कर्म के कारण भी जो कष्ट होते हैं वो अलग से कष्ट होते हैं। तीन ताप के अलग होते हैं, प्रारब्ध के अलग होते हैं। तो वो परमात्मा संपूर्ण कष्टों को, पापों को नाश कर सकता है, और कोई भी प्रभु पाप नाश नहीं कर सकता। जैसे कई श्रद्धालु श्री कृष्ण जी अर्थात श्री विष्णु जी के विषय में एक लोक वेद सुना देते हैं कि ये संपूर्ण परमात्मा है, सभी पापों का नाश कर देते हैं। उदाहरण के लिए कहते हैं कि जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता, ये श्री कृष्ण जी को गीता ज्ञानदाता कहते हैं, इसलिए सभी श्लोकों को अनर्थ करके श्री कृष्ण जी तक सीमित कर दिया। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे व्यामोक्षामि मा शुच। फिर ये उदाहरण भी देते हैं श्री कृष्ण भगत कि श्री कृष्ण सब पापों का नाश कर देते हैं। देख लो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में स्पष्ट कर रखा है। अब उन 18वें अध्याय के 66 के बारे में कह कह भी नहीं पता, इसका अनुवाद गलत कर रखा है। सर्वधर्मान प्रीतज माम गीता ज्ञान दाता, ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके वो ब्रह्म बोल रहा है, काल बोल रहा है कि मेरे सतर की जितने भी तने धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, ओम नाम का जाप, पांचों यज्ञ, कहते हैं ये सभी पूजा मुझ में छोड़ दे, ये सारा जो कमाई है धन है ये मेरे में छोड़ दे, ये आध्यात्मिक जो धन है ये बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुमूल्य होता है, इसकी वैल्यू की महत्ता को जानकार व्यक्ति ही समझता है। तो ये काल जो है ये स्वयं भी भिखारी है उस परम पिता के सामने, ज्योति निरंजन, ये ब्रह्म, ये भी एक वहां ऊपर बैठ करके अपने ब्रह्मांड के अंतिम छोर पे, टॉप मोस्ट प्लेस पे वहां बैठ के ये स्वयं भी उस परम परमात्मा की साधना यानी तप करता है, और तप से राज्य प्राप्त होता है। तो उस परमात्मा से ये तप करके उस परमात्मा से लेता है ये, और इस 21 ब्रह्मांड को चला रहा है, तप से राज्य प्राप्त होता है। तो और उस अपनी पूरी कमाई जो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी के द्वारा प्राप्त मंत्र का जो विधिवत साधना करता है उसकी बहुत ज़्यादा कमाई है, और उसको छोड़ दें तो ये तो गदगद हो जाता है। और हम क्या करते रहे उस कमाई का, ओम नाम के जाप को और यज्ञ हवन आदि जो भी धर्म करते थे उसका प्रतिफल हम ब्रह्म लोक में जाकर वहाँ भोग आते थे। वो महास्वर्ग है, स्वर्ग एक ऐसा है जैसे रेस्टोरेंट होता है, रेस्टोरेंट में धनी लोग ही जा सकते हैं, जैसे कुल्लू मनाली गर्मियों के दिनों में, इधर राजस्थान हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश आदि के, मध्य प्रदेश आदि के जो कोई सेठ साहूकार हैं वो वहाँ चले जाते हैं, 20-30-50 हज़ार रुपये ले जाते हैं, होटल में रुक जाते हैं, सुहाना मौसम होता है और घंटी बजाते ही सब आहार उनको उपलब्ध हो जाता है, और खा कर घूमो फिरो से विश्राम करो, लेकिन उनकी जेब कट रही है, उनके वो पैसे समाप्त हो रहे हैं। जब वो पैसे समाप्त हो जाते हैं, धन समाप्त हो जाता है, वो तुरंत अपने कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं, और फिर नए सिरे से मजदूरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, फिर कभी अगले वर्ष में दाव लगे ना लगे 50 हज़ार रुपये खर्च करने का, तो फिर वहीं गर्मी में मरते हैं। तो ऐसे जो पुण्य यहाँ हमने किए, ओम नाम का जाप किया, पहले
वेदों अनुसार साधना करते थे,